नमस्कार। मैं कमल नयन। मैं नील अश्वथ। मेरा नाम रितिका है। मैं मन्ना कश्यप। मैं पूर्णा सिंह। मैं हूँ श्रद्धा। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लोक बात में। अबे तुम्हें तो घबराती, तुम्हें तो विपक्ष की घबराहट में। विपक्ष जो घबराता है, किससे घबराता था विपक्ष? विपक्ष कितना घबराता था? बीजेपी विपक्ष से घबराती गई है, उस टाइम क्यों नहीं करा बीजेपी ने? बीजेपी उस टाइम कर लेती जीदार की थी। आज क्यों दिक्कत आ रही? आज अपना श्रेय लेना कि हमने करा ये काम। नमस्कार, मैं पूर्णा सिंह, लोक बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम आ गए हैं राष्ट्रीय पार्क में, और आज का हमारा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे देश में हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और उपचुनाव। ऐसा लगता है हमारा देश हर वक्त चुनावी रंग में ही रंगा होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वक्त आ चुका है कि हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक बार में करा दिया जाए। दिल्ली के जनता मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ये कितना संतुष्ट हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, क्या इनके विचार हैं। सर आपका नाम? रश्मिन भुइयान। सर आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश में होना चाहिए या नहीं? देखो, इट्स ए क्रीम स्टेप फॉर आवर कंट्री। हमारे देश का रिसोर्सेस बचेगा, हमारे देश में टाइम बचेगा, हमारे देश में टाइम बचता मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी हाई होगा। एक एग्जांपल सिंपल कह रहा हूँ, अभी इलेक्शन होने टाइम ना, मैं ओरिजिन ओडिशा का हूँ, ठीक है। ओडिशा में एट ए टाइम, मतलब मुझे भी इतना पता था नहीं, मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो मैं घर पे कॉल कर रहा था कि आप लोग जब वोट देने के लिए जब गए थे, तो एक वोट तो मतलब कौन सा हमारा लोकसभा का, एक और विधानसभा का। तो मैं अपने घर में अपने मम्मी को पूछ रहा था कि आपने मतलब वोट दो वोट दिया था, एक थे दो वोट दिया था, वो एक ही दिन उसी टाइम ही, जस्ट दो रूम है, ठीक है, इसमें लोकसभा का इसमें विधानसभा। तो आपने यहीं से सोची कहीं ना कहीं कितना टाइम सेव होता है हमारे देश में। आपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 2014, उसके बाद 5 साल 9, 2004 चार में मैंने देख रहा था। एक एग्जांपल सिंपल कह रहा हूँ, 2004 में सपोज इलेक्शन में अगर खर्चे ना अगर 200 करोड़ हुआ ना, तो 2009 में वो हो गया 300 करोड़, 2014 में हो गया 500 करोड़। खर्च बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का पैसा तो बहुत सेव होता है। इसीलिए तो हमने मोदी जी का फैन है। मैं क्यों बार बार मोदी जी का लेता हूँ नाम, क्योंकि देखो इतना बड़ा हमारे जो पॉपुलेशन में ना, हम सोचेंगे ये तो यहीं पे बुरा हाल है, यहीं पे लोग भीख मांग रहे हैं, ये चीज़ सडन चेंज हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत है। और हमारे यहीं पे जो कौन सा हमारे यहीं पे बहुत पहले से ही ना फ्रॉड और करप्शन बहुत पहले से ही, तो सडन चेंज होना मुश्किल है। अपोजिशन तो आराम से क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। तो कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन इट्स ए क्रीम स्टेप। आपने ऑल इंडिया में अभी जो वोट हुआ, अब देखो सपोज आगे आने वाले टाइम में झारखंड भी इलेक्शन होगा, ठीक है, फिर से बॉम्बे में भी होगा। तो कहना कि एट ए टाइम होता तो कितना टाइम सेव होता है, वो टाइम सेव होने टाइम ना पूरा ऑल वर्ल्ड में हमारा बिजनेस भी हम आगे रहेंगे, सेंसेक्स भी आगे जाता है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत बढ़िया स्टेप है, कि इनका जो ये स्टेप है ना हमारे इकोनॉमिक के लिए ना, इट्स ए क्रीम स्टेप फॉर आवर इंडिया इकोनॉमिक के लिए, इट्स ए क्रीम स्टेप। और बार बार अगर चुनाव ही होते रहेंगे तो फिर मेरा देश कहाँ आगे बढ़ेगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति जितना कमजोर हो रही है, बिल्कुल कमजोर हो रही है, बहुत कमजोर हो रही है। और जो भी दो साल में जो भी रुपये आते हैं वो चुनाव में ही, मेरा मानना है 40% चुनाव में ही चले जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए जानते हैं इनके विचार क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवर है। मैडम पहले से इस बात की डिमांड उठती रही है, कोई आज से डिमांड नहीं उठ रही, पहले भी डिमांड उठी थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो भी चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो जनता पे बार बार बजट पड़ता है कि हर थोड़े दिन बाद इलेक्शन, किसका पैसा लगता है? कोई नेताओं को थोड़ा ना पैसा लगता है, ये जनता की जेब का पैसा जाता है, जो हम टैक्स देते हैं उसका पैसा जाता है। और बहुत अच्छी बात है अगर इस पे कानून बन जाए, इसके ऊपर बहुत जल्दी विचार विमर्श होने लग जाए, तो मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है। जो मनमोहन सिंह जी कहते थे आज ठीक है, इनके दिमाग में थोड़ा सा आया है कि सोच आई है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हो तो हम इसको मानता देंगे मैम। तो जब मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री संसद में कितनी बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं तैयार हो रहा है, क्यों नहीं उनका समर्थन दे रहा है? मैडम उस टाइम विपक्ष क्या करता था,
उस टाइम का विपक्ष ने क्या किया था, आज के विपक्ष की आपको टेंशन है, उस टाइम के विपक्ष ने क्या किया था हमारे खिलाफ। उस टाइम भी मनमोहन सिंह जी अकेले लड़ते थे, आज भी मनमोहन सिंह जी हैं, तो अब इसका मतलब हो गया ये आए तो इनकी बात को रख दिया जाए, हमारी बात को रखना गलत हो गया। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर इस बात को ले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो सब मिलकर पाल। देखिए इन्होंने सही कहा, आपने पूछा कि विपक्ष पहले जब कहता था तो अब क्यों नहीं कह रहा है, इन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं इस विपक्ष माना, मतलब इन लोगों के इतनी हीन भावना से ग्रसित हैं कि कोई अच्छे काम में भी विरोधी देख रहे हैं। जो विरोध थे एक्चुअली कांग्रेस पूरी हीन भावना की शिकार हो रही है, इसलिए देश में पूरा खत्म हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये बोलने नहीं देंगे कांग्रेसी में, ये बोलेगा क्या कांग्रेसी कि बोलने की आजादी चाहिए और दूसरे को बोलने नहीं देंगे, ये कांग्रेसी में बहुत बड़ा अवगुण है। अभी पहले ये बोल चुके क्योंकि ये तो आदत के मजबूर है, ये बीजेपी से बिल्कुल मजबूर है, ये अपनी बात को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। अभी मेरे से मैं नहीं खड़ा था यहाँ पर तो बहुत आराम से आपके सामने सारा भाषण देंगे पूरा तरीके। अब जब बहस चालू हुई, अब जब बात चालू हुई तो घबराहट हो गई। अब तुम्हें तो घबराहट थी, तुम ही तो विपक्ष से घबराहट में है। विपक्ष जो घबराता है किससे घबराता था, विपक्ष कितना घबराता था, बीजेपी विपक्ष से घबराती गई है, उस टाइम क्यों नहीं करा बीजेपी ने, बीजेपी उस टाइम कर लेती जीदार की थी, आज क्यों दिक्कत आ रही, आज अपना श्रेय लेना कि हमने करा ये काम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम सरोज सिंह तोमर हुआ और मैं पूर्वांचल संयोजक हूँ इंटेलेक्चुअल सेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से। ओके क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए हमारे देश में या नहीं? बिल्कुल, ये मोदी जी का पहले से पहल है, जैसे कि आपको पता होगा जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने एक कंपलसरी वोटिंग का, उन्होंने बहुत पहले से एक कंपलसरी वोटिंग का ऑप्शन दिया था देश के पास कि कंपलसरी वोटिंग भी होनी चाहिए। और रही बात वन एक देश में एक इलेक्शन, और ये भी एक बहुत अच्छा पहल होगा अगर ये अगर होता है तो। सबसे पहले तो जो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के समय में कितना ज़्यादा खर्च होता है, तो उससे भी बहुत बहुत हद तक राहत मिल पाएगा देश को, और देश की इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट के कारण बहुत सारे जो नेता हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन खत्म होते ही फिर कमिंग, जैसे कि अभी लोकसभा खत्म हुआ फिर विधानसभा में लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर लोकल इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे बहुत हद तक फायदा मिल पाएगा देश के लिए, ये काफ़ी अच्छा हो पाएगा। क्योंकि हमारे देश में हमेशा ऐसा लगता है कि हर लोग पूरा जनता को उसमें इन्वॉल्व करके हमेशा चुनावी रंग में ही रंगा होता है, हर कुछ टाइम पे चुनावी होता रहता है, तो ऐसे देश का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, आपका बहुत ही मतलब कि अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और ये सरकार तक भी, ये मोदी जी तक भी ट्विटर के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से लोग अपने मैसेज पहुँचा पा रहे हैं, और लोगों का रिक्वेस्ट भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, पर इसमें कुछ बाधाएं आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्मॉल लेवल पे पार्टी है जो कि स्टेट पार्टी और भी जो अनरजिस्टर्ड पार्टी भी है, तो उनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उनके पास उतना फंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो इलेक्शन लड़ने में असमर्थ हो पाएंगे, तो इसके लिए इसको भी देखते हुए अभी ऐसा तो कुछ डिसीजन नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बट कमिंग समय में आप देख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, तो मोदी जी भी लोगों के ओपिनियन पे के हिसाब से ही काम करते हैं, तो जैसे कि मोदी जी के पास बहुत सारे लोग उनको बार बार मतलब कि ट्विटर के माध्यम से और भी मतलब नमो ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दे कि हमारे देश में क्यों ना एक इलेक्शन हुआ जाए, ये ऑप्शन बार बार उनके पास देते हैं। खर्च होता है, टाइम वेस्ट होता है, कितने सरकारी काम भी ठप कर दिए जाते हैं, टीचरों को सरकार उसमें इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, उसके चलते स्कूल में पढ़ाई बंद हो जाती है, बच्चों के एजुकेशन पे भी उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल, ये तो होता ही है, बट इसे मैं आपको बताया ना कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट तो है ही है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारा देश जहाँ तक डेमोक्रेसी है, लोगों की बात मतलब यहाँ पे लोग द्वारा सरकार चुन के आती है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को ना दबाया जाए, ऐसे बहुत सारे जो पार्टीज हैं जो छोटे, हो सकता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो उनको मौका ना मिल पाए, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा मतलब कि मोदी जी इसको भी देखेंगे, और सारा कुछ मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि सारा कुछ एनालाइज करते हुए हो सकता है कि मतलब कि ऐसा हो सके हुआ एक देश में एक इलेक्शन हो सकता है। सर आपका नाम? सतीश झा मेरा नाम है। तो सर आपको कहाँ तक ये लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए, और ऐसा होने पर हमारे देश में उन्नति ज़्यादातर होगी? उन्नति ज़्यादातर नहीं होगी, आपने गलत बोला है, उन्नति की द्वार खुल जाएगी, सच्चाई ये है।
वन नेशन वन इलेक्शन होने से जितने उपचुनाव हैं बंद हो जाएंगे। कभी भारत में हर 3 महीने में चुनाव होता है, भारत में और कोई काम ही नहीं है। अब हर 3रे महीने देखिएगा कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं लग गया वो आचार संहिता लग जाता है, विकास कार्य ठप हो जाता है, खर्चा बहुत होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से भारत में एक क्रांति आ जाएगी और जितने राजनीतिक दलाल टाइप के लोग हैं उनका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। हमने दिल्ली की जनता से जाना उनकी राय वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके। तो कितना एक राष्ट्र एक चुनाव होने से हमारे हमारे देश में कितना विकास होगा, ये हमने दिल्ली की जनता से जाना। तो मैं अन्नपूर्णा सिंह लेती हूँ आप लोगों से आज के लिए विदा। देखते रहिए लोकबात।